हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम आए हैं कासारसाई डैम, जहाँ पे हम बोटिंग एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, वो भी ओनली 300 रुपीज़ में। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे है। ये जो कासारसाई डैम है, ये हिंजेवाड़ी में है। यहाँ पे आपको आने के बाद कुछ चाय नाश्ता करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो अभी हम एंट्री करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो कितना प्यारा और नेचर, मतलब इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आने के बाद, पूरा माइंड अपना रिलैक्स हो जाता है। तो चलो अभी हम पूरा यहाँ से, अभी तक हम अंदर की तरफ गए नहीं है। अभी जो भी हम व्यू देख रहे हैं ना, तो ये सब बाहर का व्यू है। देन जब हम बोटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम पूरा यहाँ का व्यू देख पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग वेटिंग पे है, क्योंकि अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। ये राइट साइड पे आपको पासेस लेने पड़ते हैं, कुछ 100-200 के आसपास ही पूरे पासेस है। जैसे आपकी फैमिली हो, पर पर्सन आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ का, ये अभी राइट साइड का व्यू है। यहाँ पे बोटिंग खड़ी है क्योंकि अभी पासेस चालू है, अभी हम लोग वेटिंग पे है। जब हमारा पास मिलेगा देन तब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी हमारा पास मिल गया है, देन हम अब सेफ्टी जैकेट पहनेंगे। देन इसके बाद ये पूरी हमारी राइड स्टार्ट होने वाली, जो राइड रहेगी ना वो 20 मिनट्स की होने वाली है। और ये बहुत धीरे धीरे लेके जाते तक, ताकि आप पूरा व्यू देख सको। और देन जब हमारी बोट मिडल पॉइंट पे जाती है, देन वहाँ पे ये 5 या 6 मिनट तक रुक जाते हैं, ताकि आप सेल्फी या वीडियोज़ वगैरह जो भी आपको शूट करने आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। देन अभी आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्यूट से डक भी दिखने वाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पे बोटिंग है, जो कि स्मॉल एरिया में उन्होंने अरेंज की गई है। अभी हम बोटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो, अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे डक दिखने वाले है। 300 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो ये बोट एक्सपीरियंस है ना, वो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि 300 रुपीज़ इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, हम लोग आराम से आ सकते हैं, आराम से बोटिंग करके हमारी वन डे, एक्चुअली एक वन डे स्मॉल ट्रिप बन सकती है। अगर आप फैमिली को कहाँ पे लेके जाने वाले हो, तो ये वन डे ट्रिप बेस्ट है। सो अभी हमारी बोटिंग राइड स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जैसे ही मिडल पॉइंट पर जाएंगे, तो वहाँ से जो ये व्यू दिखता है ना, माइंड ब्लोइंग व्यू है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं। अगर वन डे ट्रिप के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं स्मॉल जगह पे जाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आना, विज़िट ज़रूर करना। तो चलो, हमें जो यहाँ पे बोटिंग एक्सपीरियंस मिलता है, ये पूरे डैम को कवर अप करता है। अगर बेटर है अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आओगे ना, तो आपको सेम व्यू देखने मिलेगा। अगर आप दोपहर में आते हो, तो शायद धूप की वजह से आपको ऐसा व्यू देखने ना मिले। शाम के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू देखने मिलता है। और जब ये बोट मिडल पॉइंट पे रुक जाती है ना, तो वहाँ का जो व्यू होता है ना, क्योंकि पूरे डैम के बीच में हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं उस चीज़ का, यहाँ की ठंड का, यहाँ के पूरे तरह से नेचर का, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो आप एक बार विज़िट ज़रूर करना। अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और बाकी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आप ज़रूर देखें। आपको पुणे में जितने भी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है, प्लेसेस है, हॉलीडे प्लेसेस है, वो सब आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने मिलने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। सो अभी आप देख सकते हो शाम होने वाली है। जो यहाँ का व्यू है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। शाम के वक्त जो यहाँ का व्यू देखने मिलता है ना, वो सच में बढ़िया है। हम लोग मतलब पूरे सोच ही रहे थे कि अरे अभी तो लेट हो गया, हमें व्यू देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि लेकिन सच में बहुत अच्छा व्यू देखने मिला है यहाँ पे। आप जब आओगे ना, तब आप देख पाओगे। यहाँ का जो व्यू है ना बाजू वाला, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
Thank you.